कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग अपना एक नया कोर्स ला रहे हैं, नाम आप देख सकते हैं, टाइम सेवर कोर्स, जेई मेंस के लिए, जेई मेंस को टारगेट करते हुए चल रहे हैं फिजिक्स के। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस कोर्स का नाम हमने टाइम सेवर कोर्स क्यों दिया। ऑब्वियसली ये आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन के लिए आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको स्मार्टली और इफ़ेक्टिवली तैयारी करनी है और कोशिश करना है कि जो टाइम है एग्ज़ाम का, जो टाइम है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे फिज़िक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, राइट? अब हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम तो हमेशा से ये सुनते रहते हैं कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? तो सक्सेस के लिए जब कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम फिर इस तरह की स्ट्रेटेजीज क्यों अपना रहे हैं कि एक टाइम सेवर कोर्स बनाना, या फिर कम पढ़कर क्या एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? तो वेल, आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो हम बात करते हैं कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होता, इस बात को मैं कम्प्लीटली अग्री भी नहीं करता और कम्प्लीटली डिसएग्री भी नहीं करता। इसको मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहूँगा, आई होप आपको ये समझ में भी आ जाएगा। अगर हम बात करें, सपोज आप इस जगह पर अभी हो और यहाँ आपको सक्सेस मिलने वाला है, राइट? नाउ यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, जैसे कि कहा जाता है कि सक्सेस पाने का रास्ता बहुत आसान नहीं होता, तो वैसा ही कुछ हम बना लेते हैं, जैसा सपोज ये आपका कोई ऐसा रास्ता जा रहा है, ठीक है, और ये आपको सक्सेस तक पहुंचा रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप टेढ़े मेढ़े रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, राइट? नाउ अगर आप ये सोचें कि शॉर्टकट से सक्सेस पाना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज मान लेते हैं, बना दिया, ये रास्ता था, सपोज दोनों तरफ मान लिया कि खाई है, ठीक है, खाई है, तो आप इस रास्ते से इधर उधर भटकेंगे तो क्या होगा, खाई में गिर जाएंगे और आप सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज बना दिया, ठीक, अब ये बन गया शॉर्टकट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, इतना लंबा ब्रिज बनाना भी क्या आसान है? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़े और जब हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएं, तो अगर हम छोटे छोटे शॉर्टकट्स बनाते रहें, या छोटे छोटे कह ले ब्रिजेस बनाते रहें, जैसे हम यहाँ से यहाँ पहुँचें, फिर हम यहाँ से एक ब्रिज बनाकर इस जगह पहुँच जाए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और फिर एक ब्रिज बना लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और फिर एक ब्रिज बना लें, तो इस तरह से अगर हम ब्रिज बनाते रहे, तो जो एक्चुअल रास्ता है उससे कंपैरेटिवली छोटे रास्ते को फॉलो करते हुए हम सक्सेस तक पहुंच रहे हैं। अब छोटे छोटे ब्रिजेस बनाना भी आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी, कंपेयर टू कि एक काफ़ी लंबा ब्रिज बनाए जो खाई से होता हुआ आपको और सक्सेस को मिलाए। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि हर चीज़ के लिए एक स्ट्रैटेजिक, एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या कोई रास्ता है, कोई टेक्निक है, ऐसे शॉर्टकट्स जो हमारी मदद करे, ऐसा नहीं हो कि वो कहीं हमें फेल कर दे, या फिर उस चीज़ से हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो, एक जगह वो अप्लाई हो दूसरे जगह अप्लाई ना हो, ऐसे रास्ते हमें नहीं चुनने हैं। तो हमें वैसे शॉर्टकट्स, वैसे टेक्निक्स खोजने हैं जिससे कि हम अपने मंजिल को जल्दी से पा सकें। अब जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम में होता क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, राइट? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम है कम, और उसमें जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट लेंगे, आपके चांसेस उतने अच्छे रहेंगे एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए। तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है कि ऐसे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि आप आंसर तक जल्दी पहुंचे और वो मेथड सही भी हो, ऐसा नहीं हो कि वो गलत मेथड हो। तो इन चीज़ों को हम इस कोर्स में खोजने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसे टेक्निक्स हमें मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम काफ़ी टाइम बचा सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ कि एक चैप्टर हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी हमने टाइम वेस्ट कर लिया, 2 घंटा पढ़ लिया लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्लू कह सकते हैं, उनको अगर हम पकड़ सकें तो हो सकता है कि 2 घंटे में जितना हम नहीं समझ पाए उसको हम आधे घंटे या 15 मिनट में समझ लें। तो उन चीज़ों को हम लोग इस कोर्स में यूज़ करने की कोशिश करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि इनको यूज़ करके हम कैसे आगे काफ़ी इफ़ेक्टिवली और इजीली बढ़ सकते हैं अपने मंजिल की तरफ, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ का मैं डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूँगा, थोड़ा सा समय और लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ेंगे ही, तो यूनिट एंड डायमेंशंस जैसा कि आपको दिख रहा है पहला चैप्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे, तो उसमें आने से पहले कुछ पॉइंट्स और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ का और पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग फोकस्ड हैं जेई मेन्स की तरफ। अब आप सभी जानते हैं कि IIT के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं, मेन्स और एडवांस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जेई मेन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका इन्फॉर्मेशन कितना आपने गैदर किया, सिलेबस में जो जो चीज़ें दी हुई है उन पॉइंट्स को आपने पढ़ा कि नहीं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि नहीं, कि क्या क्या आपको पढ़ना है इन सारे चैप्टर्स में, क्या क्या पढ़ना है ये आपने सही से जाना। तो इस चीज़ का टेस्ट आपको जेई मेन्स करता है। इसमें कब, क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए जेई एडवांस्ड है कि सारे कंटेंट्स, किसी चैप्टर के जो सारे कंटेंट्स हैं वो सब और बारीकी से डिटेल्ड वे में उनके बारे में जानना कि ऐसा फेनोमेनन हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम एडवांस में कवर करते हैं। आप इसको भी आप डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। तो अगर आप मेंस और एडवांस की तैयारी में अगर आप एक डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से सोचिए कि मान लिया जाए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, सपोज आपका कोई रिलेटिव, काफ़ी अच्छा रिलेटिव कह सकते हैं या काफ़ी क्लोज रिलेटिव कह सकते हैं, जैसे आपके दादा दादी आए या मामा मामी आए, तो ये आपके क्लोज रिलेटिव हैं। अब जब ये आपके घर आएंगे तो जब ये आपके घर में आते हैं क्या आप इनसे ये पूछेंगे कि आप क्यों आए, आप पूछेंगे तो नहीं, आप क्या करेंगे, इंस्टेड पूछने के आप उनका स्वागत करेंगे कि आइए भाई बहुत दिन के बाद आए, आप उनको बैठाएंगे, है ना, तो आप उनकी खातिरदारी करेंगे। तो ये एक बात हुई। अब क्यों आए, किस लिए आए, ये सब आप किससे पूछेंगे। अगर कोई एक ऐसा पर्सन आपके घर में आता है जिसको आप पहचानते नहीं हैं, कंप्लीट अजनबी जिसको कह लें, वो आपके घर में पहुंचता है तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे भाई कौन हो, क्यों आए हो। तो ये चीज़ जो है, यही डिफरेंस आप मेंस और एडवांस में समझ सकते हैं। तो मेंस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको CID बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों पूछा गया, क्योंकि अगर आप यही क्वेश्चंस पूछते रह गए तो आपके जो बाकी साथी हैं वो सारे पेपर सॉल्व करके निकल चुके होंगे और आप वहाँ पे वैसे ही बैठे रह जाइएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। मेंस का पेपर जो है, मेंस के पेपर में सारे क्वेश्चंस या कह सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड हो, मेमोरी बेस्ड हो, आप चीज़ों को अगर याद रख पाएँ तो आप उन इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू एडवांस में, जहाँ आपको आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, ये सब चीज़ें एडवांस के लिए है। और ऑब्वियसली अगर आपको एडवांस के पेपर में बैठना है तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इस पर फोकस करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो अब बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पहले चैप्टर को, यूनिट एंड डायमेंशंस, राइट। इस चैप्टर का भी काफ़ी यूज़ है, बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस IIT में ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां पर एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितने क्विक विटेड हैं, क्विक विटेड का मतलब कितने इंटेलिजेंट हैं, और सिचुएशन को जज करके क्या आप आसानी से कोई एक शॉर्टकट रास्ते से
सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिनमें यूनिट एंड डायमेंशंस का यूज़ होता हो। आप देख सकते हैं हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उस क्वेश्चन को अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज यूज़ करके बनाने की कोशिश करें तो माइट भी आपको काफ़ी समय लग जाए। लेकिन अगर आप उनमें से तीन गलत ऑप्शंस को रूल आउट कर पाएं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, तो जो कि बहुत आसान है, वो हम देखेंगे भी, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। सो ये इस चैप्टर का प्लस पॉइंट है, तो हमें इसे भी नेगलेक्ट नहीं करना है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं और काफ़ी सिंपल भी हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग तरह के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर कहूँ कि मैं जब कोई कॉन्सेप्ट बता करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँगा, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी उस समय अपने वीडियो को पॉज कर लें जब आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो जब वो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होगा, आप उसको पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें और देखें कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फिलहाल स्पीड, एक्यूरेसी, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। अगर आपसे वो सही बन जाता है, वो क्वेश्चन सही बनता है, फिर धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन सही सही आपको आंसर आने लगे, उसके बाद आप स्पीड के बारे में सोचिए, राइट। लेकिन पहले आप ये देखें कि आपसे वो सवाल बन रहा है कि नहीं, आपने उस कॉन्सेप्ट को जो आपको बताया गया क्या आपने उसको सही पकड़ा या नहीं, राइट। तो फिर उसके बाद वापस से प्ले कर दीजिए। अब चेक करिए जो मैं सॉल्व करूँगा उससे आपने जो सॉल्व किया है उसको कंपेयर करके देखें कि क्या वो सही है, या आपने कोई एक हो सकता है कि कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की हो, पर क्या आप भी उसी आंसर तक पहुंच रहे हैं जिस पर मैं पहुंचा हूं। तो इस तरह से हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम खास पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, और फिर उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशंस में सबसे पहले अगर हम बात करें, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ 13th बैच, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। और आपने 11th और 12th में अपने बोर्ड्स में भी जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय भी आपने इन क्वांटिटीज़, जो भी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती है फिजिक्स में, उन सब के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो सिर्फ एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने नाम तो ज़रूर सुने होंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, x, नाम दे दिया उसको हमने x, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, nu। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि x क्या है, x हमारा कोई सा भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जब हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली, तो एन यू में यू और एन क्या है, यू को कहेंगे हम लोग यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, और एन क्या है, एन उसका वैल्यू है उस पर्टिकुलर यूनिट में। तो जैसे जैसे हम यूनिट चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि एक्स का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल्स ले, एक केजी 1000 ग्राम, राइट। तो आपने केजी को ग्राम में चेंज किया तो एक भी 1000 में बदल गया। तो ये चीज़ को हम लोग कभी भी जब एक्सप्रेस करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो एन यू के फॉर्म में करते हैं।
और इसके बारे में हमें एक अच्छी बात ध्यान रखनी है कि जब हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स लिया हुआ है तो एन और यू का जो प्रोडक्ट है हम लोग इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये साफ होता है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिसका यूनिट बड़ा या जो यूनिट बड़ा उसमें उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा। और जब हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कंपेयर करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको ऐसा लिख सकते हैं N1U1 equals to N2U2। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1 kg और 1000 ग्राम दोनों बराबर होते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं मास की, 1 kg मास इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो यहाँ 1 इस यूनिट में मतलब केजी का मैग्नीट्यूड है और ग्राम में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1000। तो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ये वाला हम यूज कर सकते हैं किसी भी दो यूनिट्स को कंपेयर करते समय। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां से पता चला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सर्टेन अमाउंट हमें दिया हुआ है तो अगर हम उसको अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस करें तो जितना बड़ा यूनिट होगा वैल्यू उतना ही छोटा होगा, या वैल्यू जितना बड़ा होगा यूनिट उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग। हमें यह पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल या फिर डिराइव्ड होती है। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सके। तो हम लोग बेसिकली एक कलेक्शन कंसिडर करेंगे, एक सेट कंसिडर करेंगे ऐसे क्वांटिटीज का जिनमें कोई भी क्वांटिटी दूसरे से कंप्लीटली डिराइव ना हो सके, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस सेट को हम एक नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, उस सेट को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल सेट। तो एक और टर्म हमारे सामने आया जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल सेट। ये फंडामेंटल सेट क्या होता है, उन क्वांटिटीज का कलेक्शन या सेट जिसमें कि कोई भी क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज से कंप्लीटली डिराइव नहीं हो सके, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर पूछा जाए, हम कहते हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तो ये सब जो क्वांटिटीज हैं अगर अकेले अकेले देखा जाए या हम इनको सेपरेट करके रखें तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा फंडामेंटल है कौन सा डिराइव्ड है। लेकिन अगर आप एक सेट बनाते हैं, जैसे आपने 3 क्वांटिटीज का सेट बना लिया, जैसे मास, लेंथ, टाइम, अब आप चेक करिए कि इस सेट में क्या किसी का भी फॉर्मूला बाकियों को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। अगर नहीं बन सकता तो वो एक फंडामेंटल सेट है और ये तीनों क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह होती है कि कोई भी क्वांटिटी ऐसे फंडामेंटल नहीं होता। फंडामेंटल वो तब होता है जब वो एक सेट का हिस्सा बने और उस सेट के क्वांटिटीज एक दूसरे से डिराइव नहीं हो पाए। अब इस तरह से तो सैकड़ों सेट बन सकते हैं, बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 क्वांटिटीज को एक सेट में लाया गया और उस सेट के क्वांटिटीज को पूरे दुनिया में रिकॉग्निशन मिला, कहा गया कि हाँ इन्हीं को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलेंगे। कौन कौन से हैं वे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद आपने एक और टर्म सुना हुआ है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा आपने सुना हुआ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया, तो वर्ल्ड वाइड इनको एक्सेप्टेंस मिला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक सेट बनाते हैं तो बहुत से क्वांटिटीज़ का भी सेट ऐसा बना सकते हैं जिसको आपको सुन के लगेगा ये तो डिराइव्ड है, लेकिन वो भी एक फंडामेंटल सेट बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्विकली। अगर मैं बात करूँ एक सेट की जिसमें फोर्स, लेंथ,
और टाइम आता हो। तो अगर मैं इस सेट को कंसिडर करूं तो इस सेट के हिसाब से ये तीनों क्वांटिटीज फंडामेंटल होंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी फॉर्मूला सोच के देख लीजिए, फोर्स को आप कंप्लीटली सिर्फ लेंथ, सिर्फ टाइम या लेंथ और टाइम के किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं ला सकते। क्योंकि अगर आपने पहले फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सलरेशन। तो चलिए एक बार आप एक्सलरेशन को लेंथ और टाइम से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? एक्सलरेशन को हम लोग वी बाई टी, स्पीड बाई टाइम या वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी या स्पीड को हम लोग लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार को तो आपने एक्सलरेशन को लेंथ बाय टाइम स्क्वायर करके एक्सप्रेस कर दिया। तो आप कहोगे हाँ ये एक्सलरेशन तो लेंथ और टाइम से आ गया, लेकिन मास कहाँ गया? इस सेट में तो मास है ही नहीं। तो फोर्स का कंप्लीट डेरिवेशन तब तक नहीं हो पाया जब तक उसमें मास ना हो। अगर मैं इस सेट में एक और क्वांटिटी जोड़ देता मास, तब ये फंडामेंटल सेट नहीं होता और ये क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर मास रहता तो फोर्स मास, लेंथ और टाइम से कंप्लीटली डिराइव हो सकता था। तो एक भी क्वांटिटी एज अ कल्प्रिट अगर निकल गया किसी सेट में जिसको हम बाकियों से डिराइव कर पाए, तो वो सेट फंडामेंटल नहीं रहेगा और उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो कि है डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, जिस पे बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। पर हमें इसको भी नहीं भूलना है, यूनिट। यूनिट के बिना आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, आप सभी को पता है। क्योंकि आप सिर्फ अगर कोई एक नंबर वे या वैल्यू बोले तो आपको नहीं समझ में आएगा या किसी को आप समझा नहीं पाएंगे कि आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ 5 बोलूं या 10 बोलूं तो मैं नहीं बता सकता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 5 kg बोल दूं तो मैं बता रहा हूं कि मैं 5 यूनिट बता रहा हूं किसका, मास का। तो एक फिजिकल क्वांटिटी मास की बात हो रही है। अगर मैं 5 सेंटीमीटर बोलूं तो मैं कहूंगा कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, राइट? अगर मैं 5 लीटर बोलूं तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो यूनिट का ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस है। तो अब यूनिट के लिए बहुत सारे सिस्टम्स बने जिनमें से कुछ सिस्टम्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला और फाइनली एक सिस्टम जो कि अभी हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो आप सभी जानते हैं कौन सा है, SI यूनिट्स। तीन पहले जो यूज़ में आते थे कौन कौन से हैं, वो CGS, दूसरा कौन सा MKS, तीसरा FPS। CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, इनके साथ ड्रॉबैक क्या था? इनके साथ ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि ये सिर्फ मास, लेंथ, टाइम इनके ही यूनिट्स देते हैं। नाम सुनिए, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें हम जब बात करते हैं लेंथ, मास और टाइम की, यानी इन यूनिट्स सिस्टम से आप सिर्फ उन क्वांटिटीज का यूनिट दे सकते हैं जो कि सीधे सीधे मास, लेंथ या टाइम से डिराइव हुए हों, उनके बाहर के चीजों को नहीं दे सकते, राइट? तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि जो क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम से डिराइव हो या डिपेंड करे, उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे मैकेनिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज कहेंगे, याद रखिएगा, मैकेनिकल क्वांटिटीज जो मास, लेंथ और टाइम से सिर्फ आए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे करंट की खोज हुई है ना, और फिर लाइट से रिलेटेड चीज़ें केमिस्ट्री में भी काफ़ी काम हुआ, तो फिर और भी हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पर सिर्फ मैकेनिक्स के या मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट से काम नहीं चल सकता था। तो इसीलिए क्या किया गया, और यूनिट्स आए तो एक नया सिस्टम बनाया जो कि सारे यूनिट्स को इकट्ठा कर सके। तो उस सिस्टम को SI सिस्टम कहा गया, जिसमें कि क्या किया गया, मास, लेंथ और टाइम इनके यूनिट्स तो सीधा सीधा MKS सिस्टम से उठा लिए गए और बाकियों के लिए नए यूनिट्स दिए गए जो कि आप सभी पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आपको याद भी होगा। जैसे टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ होता है,
टेम्परेचर के लिए हम लोग कौन सा एसआई यूनिट यूज़ करते हैं? यस, केल्विन यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के लिए आपको पता है एम्पियर यूज़ करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। उसके अलावा अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो उसके लिए यूनिट दिया गया मूल। तो इनके लिए यूनिट्स दिए गए। तो इनको भी इकट्ठा करके सातों जो वेल नोन या वर्ल्ड वाइड जिनको रिकॉग्निशन मिली है, इन क्वांटिटीज के जब हम यूनिट्स लिखते हैं एक साथ, तो उस सिस्टम को एसआई सिस्टम कहा जाता है। अब इस एसआई सिस्टम ने इन सातों के अलावा दो और क्वांटिटीज हैं, उनके भी यूनिट्स दिए। कौन कौन से हैं? एक है प्लेन एंगल, याद रखिएगा, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, उसके लिए यूनिट क्या दिया गया एसआई यूनिट? रेडियंस। सॉलिड एंगल, उसके लिए क्या यूनिट दिया गया? स्टेरेडियन। तो ये भी चैप्टर में जहाँ जहाँ इस्तेमाल में आएंगे, हम उसको वैसे ही यूज़ करते रहेंगे। याद रखिएगा, प्लेन एंगल के लिए क्या एसआई यूनिट रहेगा? रेडियन। जो लोग डिग्री को एसआई यूनिट समझते रहे हैं, काइंडली ध्यान रखिएगा, डिग्री एसआई यूनिट नहीं होती है एंगल के लिए, एंगल के लिए रेडियन होता है, ठीक है? और आप सभी को ये याद भी होगा, रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन फैक्टर 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो यूनिटरी मेथड यूज करके हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियन और स्टेरेडियन, ये यूनिट्स भी किसमें इंक्लूड किए गए? एसआई सिस्टम में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर ये हुआ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जो कि है डायमेंशन। तो डायमेंशन आखिर क्या है? जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ते जाएं, किसमें तोड़ते जाएं? बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज में। किस प्रकार से तोड़े कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड हो रही हो, इस तरह से। इस तरह से, तो ये अपने हिसाब से हमने एक फिजिकल क्वांटिटी उठाया और इसको हम लोग तोड़ते गए किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इतना तोड़ा कि सिर्फ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज बचे। फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक और नाम भी क्वेश्चंस में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, उनको बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। तो आपको देखना है कि ये कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो पावर्स आपको दिख रहे हैं, इन पावर्स को हम लोग कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ एक्स। हम लोग इनको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ एक्स इन अ गिवन बेस क्वांटिटी। जैसे अगर हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करके लिखें वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेकिन विथ और हाइट भी क्या है? वो भी एक तरह का लेंथ ही है। तो बेसिकली ये लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो पावर है ये 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार से कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज 3। इस प्रकार से पूछा जाता है कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो हम बोलेंगे 3, राइट? तो इन पावर्स को हम लोग डायमेंशन कहेंगे जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। अब जब हमने ऐसा एक्सप्रेस किया और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंबल दिए गए, सिंबल कैसे? जैसे मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए के, कैपिटल के, करंट के लिए कैपिटल ए, ठीक है? उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल के लिए एम ओ एल, ये सिंबल दिया गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी,
कैंडेला का शॉर्ट सीडी, ये सिंबल दिया गया। तो जब आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला सा मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब हम लोग ऐसे लिखें तो हम कहते हैं तो ये फॉर्म जब भी रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, आगे और पीछे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको आपको लिखना है वाई का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर ए, जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर बी, डब्ल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर सी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर मास, लेंथ, टाइम ये सब है तो आपको पता है क्या करना है, अगर y मास है तो यहाँ पे आपको कैपिटल M लिखना है, z अगर लेंथ है तो आपको कैपिटल L लिखना है, w अगर टाइम है तो कैपिटल T लिखना है। तो जैसे अगर हम बात करें फोर्स की तो हम फोर्स को तोड़ सकते हैं कैसे, फोर्स हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को और तोड़ा जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, अभी हमने जस्ट देखा था लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। अब मास, लेंथ और टाइम तीनों मिला के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो हम इसको एम एल टी टू द पावर माइनस टू लिख सकते हैं। तो अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो ये तो हमने देखा कि ये किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, अब अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो इन सभी को सिंबल के साथ लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, पावर में माइनस टू। और ये तो हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा था इसके डायमेंशंस बताइए तो हम क्या कहेंगे, मास का पावर कितना है यहां पे 1, लेंथ का पावर कितना है 1, टाइम का पावर कितना है माइनस टू। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या हुए, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस टू इन टाइम। समझ में आया? और याद रखें जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी कहें, मैकेनिकल क्वांटिटी कौन से हैं जो कि मास, लेंथ और टाइम से ही आते हों, तो इनमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको सिर्फ तीन ही सिंबल दिखेंगे, एम एल और टी, बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जितने मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं उनमें सिर्फ कौन कौन से टर्म्स आएंगे, कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एल आएगा और कैपिटल टी आएगा। क्लियर? तो ये तो हुआ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला उसका लिखना है या उसके डायमेंशंस लिखने हैं तो हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, तोड़ते जाना है, स्प्लिट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, उनके पावर्स देखने हैं और फिर सिंबल के साथ लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और डायमेंशंस के क्या क्या यूज आते हैं। तो जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि जितने भी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं या जैसे नंबर्स होते हैं इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता या ये डायमेंशन लेस होते हैं। सीधी सी बात है, हम कहेंगे ये डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब इनकी हम बात ही नहीं करेंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें काइनेटिक एनर्जी, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर है। अब यहां मास और स्पीड तो क्वांटिटीज हैं लेकिन ये जो हाफ है ये एक नंबर है, एक न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे उसको अवॉइड करते हुए निकल जाएंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, सोचना ही नहीं कि अरे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो जीरो हो गया, नहीं जीरो नहीं, मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ध्यान रखें हमें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी रेशियोज होते हैं रेशियोज हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, रेशियोज डायमेंशनलेस हैं यानी कि ऊपर और नीचे के यूनिट जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बात हमें दिमाग में रखना है। यूनिट
अगर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम यूनिट है तो वो कैंसिल होगा, तो उसको हम रेशियो कहते हैं। और सारे रेशियोज जो हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। सारे रेशियोज मतलब एंगल भी एक रेशियो है, एंगल प्लेन एंगल अगर आपको ध्यान रहे तो हम लोग कोई भी आर्क कंसिडर करें जिसका एंगल थीटा है, रेडियस आर है, और ये आर्क का लेंथ एल है, तो हम जानते हैं एल बराबर आर थीटा होता है। यस, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, लेंथ बाय रेडियस, तो ये भी एक रेशियो है। तो जितने रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन टैन कॉस, ये सारे भी, ये सभी डायमेंशनलेस होते हैं। तो इनका हमें ध्यान रखना है, सारे रेशियोज डायमेंशनलेस। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ये भी डायमेंशनलेस होते हैं। जितने लॉग वैल्यूज हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, ये भी डायमेंशनलेस होते हैं, इनका भी हमें खास ध्यान रखना है। क्या है, जैसे अगर आप कभी भी लिखते हैं लॉग ए बेस बी, या फिर आप एक एक्सपोनेंट लिखते हैं ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, इनमें हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। जब हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट होता है जिसमें बेस कॉन्स्टेंट रहे और पावर वेरिएबल हो। तो इसमें ये जो बेस है ये भी डायमेंशनलेस है, जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस है, और एज अ होल ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा। जैसे आप लिखते हो 2 टू द पावर एक्स, ई यहां पर नेपियर्स कांस्टेंट या बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ये आप सभी जानते हैं, तो ये भी एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सारे डायमेंशनलेस है। पावर भी डायमेंशनलेस है इसका, और ओवरऑल भी ये डायमेंशनलेस होगा। तो सारे एक्सपोनेंट्स लॉग वैल्यूज को क्या हमें लेके चलना है? यस, डायमेंशनलेस। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखे तो वो क्या है कि एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं डायमेंशंस में, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, होमोजीनस वर्ड मतलब एक समान। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आप उन्हीं क्वांटिटीज को किसी भी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, जिनके डायमेंशन सेम हो या जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। मतलब आप मास में मास जोड़ के मास ला सकते हैं, मास को डायमेंशनली अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मास में से मास घटाएंगे तो आपको मास मिलेगा, मास में से मास घटाने से आपको टाइम नहीं मिलेगा ना कि लेंथ मिलेगा। लेंथ में अगर आप 10 बार भी लेंथ जोड़ेंगे तो भी आपको एक लेंथ ही मिलेगा, 4 बार लेंथ घटाएंगे तो भी आपको लेंथ ही मिलेगा। तो एक समान डायमेंशंस वाले फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा हथियार है, जब भी हम डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पर हम पहला टारगेट रखेंगे, हमारा निशाना यहां पर रहेगा कि क्या ऐसा कुछ है उसमें जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रहा हो। तो यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा हो तो ध्यान रखें उन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होने चाहिए जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे। क्लियर। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। मान लिया जाए दो फिजिकल क्वांटिटीज, सपोज एक्स और वाई, ये मल्टीप्लाई हुए और रिजल्ट आया लड्डू, डायमेंशनलेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि इनके डायमेंशंस एक दूसरे के द्वारा क्या किए गए? कैंसिल किए गए। लेकिन आप तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका साफ मतलब यह हुआ कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर इनके डायमेंशनल फॉर्मूला एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो इनका प्रोडक्ट हमेशा डायमेंशनलेस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर
दो चीजों को डिवाइड करके आप देखते हैं फाइनल आंसर डायमेंशनलेस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रेशियो है, रेशियो है इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक्स और वाई के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कोई एक्स बाय वाई अगर मान लिया एक न्यूमेरिक कांस्टेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय खास ध्यान रखेंगे, राइट। अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आखिरी पार्ट पर आ जाते हैं, जिसके बाद हम लोग स्ट्रेट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। वो क्या है कि डायमेंशंस को हमें यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के इस्तेमाल क्या है, कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में पहली बात बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला इस्तेमाल क्या हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट, ये हम लोग डायमेंशंस की मदद से कर सकते हैं। कैसे, मान लिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी एक बार आइडेंटिफाई हो गई तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट लिखने से पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। सपोज अगर ये एक मैकेनिकल क्वांटिटी है तो ये किन पे डिपेंड करेगा, मास, लेंथ और टाइम पे। तो मैकेनिकल क्वांटिटी यदि एक्स हुआ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इस फॉर्म का आएगा, पावर से एबीसी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, है ना। तो अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है तो हमें क्या करना है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको इसके यूनिट्स लिखने हैं उसमें मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स बैठा दीजिए, दैट्स इट। तो अगर आपसे कहा जाए मोमेंटम का ऐसा यूनिट लिखना है तो क्या करेंगे, जो मोमेंटम है सपोज हम लोग उसको स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, तो मोमेंटम का हमें सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू स्पीड, तो मास इनटू स्पीड, मास तो कैपिटल एम, स्पीड को और तोड़ना होगा लेंथ अपॉन टाइम। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ के जब हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया तो अब हमें क्या करना है, एसआई यूनिट लिखने के लिए मास का एसआई यूनिट कौन सा, केजी, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, जो पावर है वैसे ही बैठा ही है, मास का पावर वन था, लेंथ का पावर वन था, तो केजी पावर वन, मीटर पावर वन। अब टाइम का यूनिट बैठाना है वो होता है सेकेंड, लेकिन पावर टाइम में क्या है, माइनस वन, तो इसका फाइनली एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, दैट्स इट। तो ये तो सिंपल सा इसका एक एप्लीकेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब रही बात कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, तो उसका क्या तरीका या क्या स्ट्रेटेजी है, तो जब हम कहते हैं यूनिट कन्वर्जन तो अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, मान लिया एक है U1 और एक है U2, तो ये दो सिस्टम्स हैं यूनिट्स के। अब इसमें
जब हमने x का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c लिखा था, तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मान लेते हैं कि मास का जो यूनिट है वो m1 है, लेंथ का यूनिट l1 है, टाइम का यूनिट t1 है. सपोज सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट m2 है, लेंथ का यूनिट l2 है और टाइम का यूनिट t2 है. तो अगर हम ये लिखते हैं, उसके बाद हमें ये पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखें तो n1u1 बराबर n2u2 होता है. ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, u1 के जगह क्या लिखेंगे, u1 के जगह अब देखिए, जब यूनिट लिखना था इसका यूनिट हमने क्या किया था, मास का जो यूनिट था वो लगा दिया, लेंथ का जो यूनिट था वो लगा दिया, टाइम का जो यूनिट था वो लगा दिया. ठीक है, और प्रॉपर पावर के साथ. तो यहां पर मास का यूनिट क्या है, m1. अगर हमने x का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर a लिखा है तो u1 में क्या लिखेंगे, m1 टू द पावर a. वैसे ही लेंथ में क्या, l1, पावर क्या, b, लेंथ का पावर b है. टाइम का यूनिट फर्स्ट यूनिट में क्या है, t1, सो t1 टू द पावर c. इक्वल टू n2. अब u2, u2 में रखते हैं, u2 में मास का यूनिट क्या दिया हमने, m2, लेकिन मास का पावर क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला में, a, तो आप वो लिखेंगे. लेंथ का यूनिट l2 है, लेंथ का पावर क्या है, b, टाइम का यूनिट है t2, पावर है c. तो जब हम ऐसा लिखते हैं, अगर आपको n1 पता है तो n2 मिल जाएगा, अगर आपको n2 पता है तो n1 मिल जाएगा. तो इस तरह से हम लोग एक से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किस यूनिट में हमें मैग्नीट्यूड पता है और किस यूनिट में हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ये इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ होगा डोंट वरी, अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसको आप अप्लाई करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो भी पॉइंट जैसे मैं बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मैं बाद में कहीं जाकर भूल सकता हूं, तो उस पॉइंट को काइंडली कॉपी में लिख लें और उसको हमेशा दोहराते रहें, देखते रहें, सो दैट कि आपके दिमाग में वो फिक्स होकर बैठ जाए. और ऐसा नहीं हो कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बार बार उसको देखते रहें, पहले आप उसको देखकर दिमाग में फिट करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आइए. अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ. तो यूनिट डायमेंशन का फाइनल कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, जिसमें कि हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस का, वो क्या है. डायमेंशंस की मदद से हम लोग किसी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं. तो बहुत सारे फिजिकल फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में है या एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, उन्हीं को डायमेंशनली डिराइव किया जा सकता है. किस तरह के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, आप एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि इस फॉर्म में हो, यहां पे वाई जेड डब्ल्यू आपस में फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाते हो, या ये तीनों मिलाकर एक फंडामेंटल सेट बनाते हो, तो यदि एक्स इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, वाई जेड डब्ल्यू कोई भी क्वांटिटीज हो जिनके पावर्स हैं ए बी और सी, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आपको एक न्यूमेरिक कांस्टेंट भी मिलता है जिसका वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता. तो आप ये डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही निकाल सकता है. तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया हो जहां पर सी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है,
तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, वो क्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पे एक्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मान लिया मैकेनिकल क्वांटिटीज, मैकेनिकल क्वांटिटीज कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, आप कहेंगे तीन, मास, लेंथ और टाइम। तो जितने मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं उनका फॉर्मूले में तीन से ज्यादा टर्म्स नहीं होने चाहिए। तीन से ज्यादा अगर टर्म हुए तो आप उस फॉर्मूला को कभी भी डिराइव नहीं कर पाइएगा। रीजन बीइंग कि अगर तीन से ज्यादा टर्म्स हुए तो पावर भी तीन से ज्यादा आएंगे, और ये पावर्स तो अननोन है। अगर ये पावर अननोन है तो आपके पास, मान लिया ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, एक और टर्म इसमें लग गया, सपोज एस टू द पावर डी, ये लग गया। अब अगर ये एक मैकेनिकल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में एम, एल और टी तीन ही बेस आएंगे, तो पावर भी तीन ही होंगे। पर यहां तो चार पावर है, तो चौथा कहां से सॉल्व होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए याद रखें इस चीज को कि जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पे वो डिपेंडेंट है उससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते, एट मैक्स उतने टर्म्स हो सकते हैं। अगर मैकेनिकल क्वांटिटी है तो मैकेनिकल क्वांटिटी कितने टर्म्स पे डिपेंड हो सकता है, मैक्सिमम तीन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इसको डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इस हाफ को नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है या न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अब ये मास और स्पीड के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, पावर भी है, इस तरह का फॉर्म भी दिख रहा है, और काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल क्वांटिटी है, तो ये मैक्सिमम कितने टर्म्स पे डिपेंड कर सकता है, तीन। लेकिन यहां कितने टर्म्स हैं, सिर्फ दो हैं, मास और स्पीड, तो ये डिराइव हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और यूज करूं, 6 पाई ईटा आर वी, ये एक चैप्टर आता है विस्कोसिटी, आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, स्पीड, और 6 पाई है एक कांस्टेंट। तो यहां पर फोर्स फिर से एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, कितने टर्म्स मैक्सिमम आ सकते हैं इसके फॉर्मूला पे, मल्टीप्लाई होते हुए तीन, और यहां पे भी देखिए अब तीन है, तो यस ये भी डायमेंशंस की मदद से डिराइव हो सकते हैं। तो ये डेरिवेबल है, ये भी है। अब मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, ये भी आपने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ जरूर होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं, जी ये फॉर्मूला टाइम पीरियड फिजिकल पेंडुलम, ये SHM चैप्टर में आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे भी। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई MGD, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी एक लेंथ है। अब यहां देखिए टाइम, ये भी मैकेनिकल क्वांटिटी है, लेकिन मैकेनिकल क्वांटिटी होने के हिसाब से ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड होना चाहिए, एट मैक्स तीन, लेकिन यहां पे कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसको आप डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनली। डिराइव करते वक्त मैं 2 पाई, 6 पाई, हाफ, इनकी तो बात ही नहीं कर रही है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, बाकी का हिस्सा जो है वो भी डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चार टर्म्स आ गए। मैकेनिकल क्वांटिटीज मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, तीन, पावर कुछ भी हो सकते हैं उनके, लेकिन फैक्टर्स तीन होने चाहिए मैक्सिमम, क्लियर। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब रहा सवाल कि डिराइव करें कैसे, तो डिराइव करने का तरीका भी बहुत आसान है। क्या है, आपको जो भी फॉर्मूला डिराइव करना है पहले आप उसको देख लें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने यहां पर कहा कि एक्स जो है वो वाई, एक फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है, डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, पावर आपको नहीं पता, ABC अननोन है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, और उसके बाद सेम बेस के पावर्स को इक्वेट कर दीजिए।
तो जब आप सेम बेस के पावर्स को इक्वेट करेंगे तो आपको जो अननोन्स हैं ए बी और सी वो मिल जाएंगे। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है उसको आपको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। अदरवाइज आप उसको सिर्फ एक कांस्टेंट बोल के छोड़ देंगे, बाकी का काम जो है वो इससे ज़रूर हो जाएगा। क्या करना है, जिन पर डिपेंड कर रहा है आप उनके पावर्स ए बी सी मान लीजिए और फिर दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए और सेम बेस के पावर, जैसे मास मास के पावर दोनों साइड, लेंथ लेंथ के पावर दोनों साइड, टाइम टाइम के पावर दोनों साइड इक्वेट करते जाइए, सारे अननोन्स मिलते जाएंगे। तो ये तरीका है जिससे कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में हो। ठीक है, इसके अलावा एक और यूज, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है या नहीं, क्या ये फॉर्मूला उसके लिए सही हो सकता है या नहीं, तो इस चीज़ को डायमेंशनली चेक किया जा सकता है। कैसे, यदि वो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो एक्चुअली सही नहीं हो सकता। समझ में आया, अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है आप उसको डायमेंशनली चेक करिए, अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो सही नहीं हो सकता, अगर वो डायमेंशनली सही है तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इसको भी मैं समझा दूं कैसे। जैसे आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, एम और वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, आप देखें कि दोनों बराबर आते हैं, ठीक, लेकिन हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यानी डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर भी सही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी स्क्वायर भी सही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3mv2, 5mv2, 10mv2 कुछ भी लिखिए सब सही होगा, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला में तो हाफ आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि डायमेंशंस की मदद से हम गलत ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं। तो यही मैं शुरू में बता रहा था इसका यूज, कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को आप डायमेंशनली लेफ्ट और राइट हैंड साइड को लिख कर रिलेट करके देखें कि वो अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब वो फॉर्मूला सही नहीं है, और अगर वो सही आ रहा है डायमेंशनली इसका मतलब वो सही हो भी सकता है, मतलब चांसेस हैं। चांसेस इसीलिए हैं सही और गलत दोनों होने के, क्योंकि डायमेंशनलेस होते हैं ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, तो इनके इंफॉर्मेशन या इनके डायमेंशन का हमें पता है कि ये डायमेंशन लेस है, एग्जैक्ट कौन सा न्यूमेरिक कांस्टेंट आएगा अगर हम नहीं जानते तो हम ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला सही है या गलत। तो डायमेंशनल फॉर्मूला गलत होने से एक फॉर्मूला या एक इक्वेशन गलत हो जाता है, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट क्यूज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे यूनिट एंड डायमेंशंस के। अब जब हमने इन कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, आपको स्लाइड्स दिखेंगे अब और आपको पता है कि क्या करना है, पहले खुद से ट्राई और उसके बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैनॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इनमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं तो कौन सा फंडामेंटल सेट नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं फंडामेंटल सेट वो नहीं हो सकता जिसमें एक भी टर्म बाकी किसी टर्म से कंप्लीटली डिराइव हो जाए। तो पहला देखते हैं लेंथ मास और वेलोसिटी, क्या आप लेंथ को मास और वेलोसिटी के किसी भी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को आप सीधा लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं। तो देखिए वेलोसिटी लेंथ और टाइम से डिराइव हो गया, तो ये वाला फंडामेंटल सेट नहीं है। तो हमें तो वही चुनना है जो कि फंडामेंटल सेट नहीं होना चाहिए, तो यस ये ऑप्शन हमें सही दिख रहा है।
मास, टाइम एंड वेलोसिटी, क्या आप मास को टाइम और वेलोसिटी के किसी फॉर्मूला से ला सकते हैं? नहीं। क्या आप टाइम को वेलोसिटी और मास से ला सकते हैं? नहीं, नहीं वेलोसिटी को ला सकते हैं। तो ये फंडामेंटल सेट है, पहला फंडामेंटल सेट है। लास्ट, लेंथ, टाइम और मास। अब लेंथ, टाइम और मास, इनको भी एक दूसरे से आप कभी भी डिराइव नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो ये भी एक फंडामेंटल सेट है। तो हमें ज़रूरत थी ऐसे सेट की जो फंडामेंटल नहीं है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, चार ऑप्शंस हैं, नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ऐसे कोई क्वांटिटी हैं या एग्जिस्ट करते हैं जो कि डायमेंशनलेस होते हो? ऐसे हैं, रेशियोज जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। और बात है कि क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज या रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती? तो इसका जवाब है कि रेशियो के भी यूनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगल, एंगल का यूनिट होता है क्या? प्लेन एंगल है तो रेडियन, सॉलिड एंगल है तो स्टेरेडियन। तो यूनिट तो हो सकता है, पर वो डायमेंशनलेस है क्योंकि रेशियो है। तो यहां पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, ये भी गलत है। मे हैव अ यूनिट, हाँ उसका यूनिट हो सकता है, तो हम लोग सी ऑप्शन इसके लिए मार्क करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिटलेस क्वांटिटी, अब इसके डायमेंशन के बारे में पूछा गया। भाई जब ये यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक रेशियो है। और अगर ये एक रेशियो है तभी यूनिट कैंसिल हुए हैं, और अगर ये रेशियो है तो इसका डायमेंशन कभी हो नहीं सकता, यानी कि इसका डायमेंशन जीरो होगा। तो यहां पर नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट तो कर ही सकती है, बहुत से रेशियोज उनका कोई यूनिट नहीं होता, तो ये तो गलत है। अब ये हमेशा डायमेंशनलेस होंगे, यानी कि इनका डायमेंशन हमेशा जीरो होगा। तो क्या है? नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ये सही दिख रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑलवेज हैज अ जीरो डायमेंशन या नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, दोनों बात सेम है, तो इसीलिए हमने ऑप्शन ए को चुना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज हैं, तो कौन से पेयर ऑफ क्वांटिटीज के डायमेंशन एक दूसरे से अलग हैं? विच ऑफ देम हैव डिफरेंट डायमेंशंस? पहला कौन सा? इंपल्स और लीनियर मोमेंटम। दूसरा है प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। तीसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स। चौथा है यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर। तो हम लोग बात करें, चूंकि आप 13th में हैं और इन क्वांटिटीज को आपने पहले सुन रखा है, तो हमें पता होना चाहिए जो इंपल्स होता है, इंपल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जे। और जे क्या होता है? जे होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में बदलाव, यानी कि आप दो मोमेंटम को, फाइनल और इनिशियल को क्या कर रहे हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो चीजों को या ऐड कर रहे हैं दो चीजों को, तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, यानी कि मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इंपल्स कैसे आ रहा है? मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करके। तो इन दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम। तो इंपल्स और लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन सेम होंगे, पर यहां पे हमें डिफरेंट वालों को खोजना है, तो ये तो करेक्ट चॉइस है नहीं। दूसरा आता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब प्लैंक्स कांस्टेंट आपने सुना है, एच से डिनोट करते हैं। किस फॉर्मूला में आता है, याद है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको आपने एक फॉर्मूला इक्वल्स टू एच एफ, जहां एनर्जी, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, इस जगह पे सुना हुआ है, और एनर्जी
का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी वर्क से आ सकता है। तो हम जानते हैं एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम, वन बाय टाइम मतलब टी टू द पावर माइनस वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू, ऊपर जाके ये वाला बन गया प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन मिलके क्या बना, माइनस वन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी का पावर माइनस वन हुआ। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से डिनोट होता है, और एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को एक डिस्टेंस या लेंथ से मल्टीप्लाई करने से हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो लीनियर मोमेंटम जो कि होता है मास इंटू स्पीड या वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस वन और डी है एल, तो ये कितना बन गया, एम एल टू टी माइनस वन। तो यहां पर इन दोनों के डायमेंशन भी सेम आए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो एच होता है और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम हुए, तो ये भी हमारे काम का नहीं। तीसरा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसकी बात कर ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और आप सभी जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू लेंथ का स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी एम एल स्क्वायर आएगा। और रहा सवाल मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ये टर्म क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं जो कि है टॉर्क। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क हुआ, और टॉर्क के लिए सबसे अच्छा एक्सप्रेशन रहता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें फोर्स जो कि एम एल टी माइनस टू होता है और लेंथ का एल हुआ। तो क्या टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? नहीं। तो यही हमें चाहिए था, जिनके अलग अलग डायमेंशन आए, तो सी ऑप्शन दिख रहा है। अब चौथा आ जाता है यंग्स मॉडुलस और प्रेशर। अब ये जो यंग्स मॉडुलस होता है, ये इलास्टिसिटी चैप्टर में आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, यंग्स मॉडुलस के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम लोग डिटेल में इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन है ये एक रेशियो है जो कि डायमेंशनलेस होता है, और स्ट्रेस जो है ये होता है फोर्स बाय एरिया। और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो भाई प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया है, और यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस, डिनोमिनेटर डायमेंशनलेस। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब इसका और प्रेशर का डायमेंशन सेम है तो हमें तो सेम वाला चाहिए ही नहीं, हमें तो डिफरेंट चाहिए था। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही बैठेगा, तो वो है ऑप्शन सी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ क्या है, एक तरह का लेंथ है, और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है जो कि रो से डिनोट हुआ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो डायमेंशन की मदद से कौन सा सही एक्सप्रेशन होना चाहिए यह हमें देखना है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि वेलोसिटी तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, एक है वेवलेंथ, पावर हमें नहीं पता मान लिया ए, दूसरा हो गया डेंसिटी, इसका पावर सपोज बी है, और तीसरा जी जिसका पावर हम सी मान लेते हैं।
तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको यहाँ पे चारों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं के से डिनोट किया गया है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो उसका तरीका सिंपल है कि आपको डायमेंशनली गलत फॉर्मूलों को रूल आउट करना है, यानी आप चारों ऑप्शंस में कंपेयर करके देखिए कि डायमेंशनली LHS और RHS किस में सेम आ रहे हैं, किस में अलग आ रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या आएंगे? वी स्क्वायर, वी है स्पीड, स्पीड होता है LT-1, तो वी स्क्वायर हो गया LT-1 का स्क्वायर। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लैम्डा लेंथ है, power-1, जी का power-1, जी है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है LT-2, पावर में -1। और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम ML-3 और पावर में -1। तो अब हमें यह देखना है कि क्या यह इसके बराबर आ रहा है। तो आप यहां से साफ साफ देख सकते हो कि ये जो मास है ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये LHS और RHS बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ये वाला करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये रूल आउट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें LHS तो सेम है, वही वी स्क्वायर है, तो सारे में LHS सेम है। अब सिर्फ आपको राइट हैंड साइड कंपेयर करना है, डायमेंशनली चेक करना है। तो राइट हैंड साइड अगर आपने डायमेंशनली देखा, ये मैं बड़े ब्रैकेट लगा दे रहा हूं डायमेंशंस के लिए, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? जी लैम्डा, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, पावर इसका 1 है और लैम्डा लेंथ है L, तो ये क्या बन गया? L2T-2। तो हां, ये फॉर्मूला सही है। तीसरा और चौथा ये सही क्यों नहीं होंगे डायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मास आ नहीं रहा, और अगर आप इनमें राइट हैंड साइड में देखें तो इसमें मास आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो इन दोनों में मास आ रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है चारों में से जो कि डायमेंशनली सही हो रहा है, बाकी डायमेंशनली गलत हो रहा है। तो जो डायमेंशनली गलत है वो तो ऐसे ही गलत हो गए, रूल आउट हो गए, तो जो बचा वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ऐसे हम लोग जज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय वाटर स्टीम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कौन सा सही एक्सप्रेशन होना चाहिए फोर्स का? तो भाई यहां पर डेंसिटी, एरिया और स्पीड के टर्म्स में करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है फोर्स के लिए। तो फिर से वही करना है, फोर्स जो है ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ML T-2। तो इन चारों में से जो ML T-2 नहीं होगा डायमेंशनली, वो तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा, तो जो बचा वो करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें इस वाले की, रो डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम, एरिया और स्पीड, तो इसमें क्या आ रहा है देखिए, एम एल क्यूब L-3 कैंसिल, बचा क्या? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये हो नहीं सकता। अब इसमें डेंसिटी फिर से, एरिया फिर से, और इस बार स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है, यानी कि L2T-2। अब इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? m L4 और L-3, तो LT-2। अब जरा कंपेयर करके देखिए, यस ये तो सेम आ रहा है, मतलब हाँ ये हो सकता है। अब ये अगर हो सकता है, ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये तो इनसे इससे मिलता जुलता है नहीं, ये तो अलग है, तो इसका मतलब आप सॉल्व करके देखेंगे कि ये दोनों गलत आएगा, ये दोनों ML T-2 नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो सिर्फ आपको गलत ऑप्शंस को रूल आउट करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब ऐसे सवाल जिसमें आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन की बात हो रही है, कि अगर लेंथ के यूनिट और टाइम के यूनिट को डबल कर दिया जाए तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ जी विल बिकम व्हाट? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा या सेम रहेगा, यह हमें चेक करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? जब भी यूनिट के कन्वर्जन की बात हो, बस ये हमें दिमाग में रखना है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, एल टी माइनस टू। अब आप दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसे लिख लें, एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, ये पहले सिस्टम में, ये दूसरे सिस्टम में। तो यहां से एन वन, पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट मान लिया एल वन है और टाइम का यूनिट टी वन है, तो ये लिखेंगे। दूसरे सिस्टम में आपने क्या किया, लेंथ और टाइम दोनों के यूनिट को डबल कर दिए, यानी कि अब दूसरे यूनिट में आप एल वन के जगह क्या लिखेंगे, टू एल वन, और टाइम के जगह क्या लिखेंगे, टू टी वन, लेकिन पावर क्या है, टाइम में पावर माइनस टू है, ये लिख देंगे। तो यहां से आपको कंपेयर करना है एन टू एन वन का कितना टाइम्स हो गया, तो एन टू बाय एन वन एक तरफ, इधर देखिए क्या बचा, इसको नीचे ले जाइए, तो ये हो गया एल वन बाय टू एल वन, टी वन बाय टू टी वन पावर में माइनस टू। तो यहां से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहां बचा वन बाय टू। अब वन बाय टू टू द पावर माइनस टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, टू का पावर टू यानी फोर बन गया, तो ये आ गया टू। सो एन टू इज टू टाइम्स ऑफ एन वन। तो जब आपने यूनिट को डबल किया टाइम और लेंथ का, तो जो नया वाला मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसमें पूछा है कि जी के वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये भी डबल हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन में P इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी माइनस बी ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी वी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी वेयर पी इज प्रेशर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर, वी इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी के डायमेंशंस निकालने हैं। बेसिकली यहाँ पर डायमेंशंस अगर आपको कहा जाए, यानी आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है इन शॉर्ट। तो डायमेंशनल फार्मूला को भी बहुत समय क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लोग पूछ लेते हैं कि हाँ इसके डायमेंशंस बताओ। तो यहाँ हमने जो पढ़ा है, डायमेंशन मतलब तो पावर होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि इसके डायमेंशंस बताइए, यानी कि आपको उसका डायमेंशनल फार्मूला ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो इसको ध्यान रखते हुए कहां पे हमें मेन टारगेट अपना रखना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, दो चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इस चीज को टारगेट रखते हुए जब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। तो साफ हो गया यहां से कि B का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब।
और इसको कभी कभी हम स्टाइल मारने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि ये भी एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, मास और टाइम में इसके पावर्स हम जीरो कहेंगे। तो ये हो गया बी का डायमेंशनल फार्मूला, बी का मिल गया। अब हमें ए के बारे में सोचना है। अब ए के बारे में कैसे सोचें, तो उसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ हमें एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है तो एक्सपोनेंट के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि एक्सपोनेंट्स तो डायमेंशनलेस होते हैं, यही हमने जाना है। तो जब एक्सपोनेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं यानी उसका हर हिस्सा डायमेंशनलेस होता है, तो ये वाला डायमेंशनलेस हुआ, है ना। अब ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब कि दो चीजों को डिवाइड करें और वो डायमेंशनलेस है, मतलब कि एक रेशियो है। इसका मतलब साफ ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डायमेंशन सेम होंगे। तो ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा, जो आर टी वी का होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब वी तो वॉल्यूम है। अब एक और चीज देखें, यहां से एक्सपोनेंट कंप्लीटली डायमेंशनलेस होते हैं, पूरी तरह से डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन ले लूं तो क्या लिखूंगा, एनआरटी बचेगा और नीचे वी और बी दोनों ही क्या है, वॉल्यूम है, तो दोनों का डिफरेंस भी जब लेंगे तो ये भी तो वॉल्यूम ही है। तो क्या हम यहां से आरटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यस देख लेते हैं। तो ये वाला तो वॉल्यूम ही हो गया, तो यहां से आरटी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, पी, पी है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स हुआ एम एल टी माइनस क्यू, एरिया यानी लेंथ के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, एल टू द पावर माइनस वन। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी माइनस बी, वी वॉल्यूम है, बी का भी डायमेंशन वॉल्यूम है, तो ये भी वॉल्यूम ही हुआ। तो ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, वॉल्यूम से, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, और एन से डिवाइड करना होगा, एन मोल्स है, तो इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, एम ओ एल। तो आर टी के लिए हमारे पास क्या बचा, एम एल टू टी माइनस टू मोल का पावर माइनस वन। तो जब आर टी का ये बचा, अब इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए क्या हो गया, आर टी मल्टीप्लाइड बाई वी, तो आर टी तो है एम एल टू टी माइनस टू मोल इनवर्स, इसके साथ साथ वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, एम एल टू द पावर फाइव टी टू द पावर माइनस टू और मोल टू द पावर माइनस वन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्रेशर को हमने फोर्स बाय एरिया लिखा था, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, उसको एरिया यानी एल स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ गया था। तो इस तरह से हम लोग तोड़ करके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। बस ध्यान यहां देना है कि पहले टारगेट वहां करें जहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होता हुआ दिखे, और साथ साथ एक्सपोनेंट्स हैं तो डायमेंशनलेस, लॉग है तो डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वगैरह है डायमेंशनलेस, इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय एफ इक्वल्स टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, तो ए बाय बी और सी बाय डी के डायमेंशनल फार्मूला क्या होने चाहिए। वेल, अब इस फार्मूला को जो भी दिया है इसको अगर हम टारगेट करें तो हमें दिख रहा है एफ फोर्स है ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स। अब देखिए, जब यहां पर साइन या कॉस आता है तो हमें पता है कि ये क्या है, डायमेंशनलेस। कॉस भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस, तो ये तो हो गया डायमेंशनलेस। अब ए साइन सी टी बी कॉस डी एक्स, ये दोनों जोड़कर फोर्स मिल रहा है, यानी कि इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए और इनके डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए, फोर्स के, यानी ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए,
अगर ये पूरा एक फोर्स है, ये पूरा एक फोर्स है, तभी तो ऐड करके फोर्स मिल रहा है। लेकिन इस फोर्स में ये हिस्सा तो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब बचा ए, और ये हिस्सा भी डायमेंशनलेस है, बचा बी। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि जो बचे हुए हिस्से हैं यानी ए और बी, इनके डायमेंशन वही होंगे जो फोर्स का है, जो कि क्या है, एम एल टी माइनस टू। अब बात करें, हमें सी और डी भी खोजना है, तो सी और डी कैसे मिलेंगे? सी और टी साइन कॉस किसका निकालते हैं भाई? किसी एंगल का ही तो निकालते हैं। तो सी टी क्या है? एक एंगल है, और एंगल हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो अगर ये डायमेंशनलेस है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर डायमेंशनलेस आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल होगा। तो साफ है कि सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम का रेसिप्रोकल, यानी टी टू द पावर माइनस वन। वैसे ही डी एक्स कॉस भी किसी एंगल का ही निकालते हैं, एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो डी एक्स भी डायमेंशनलेस। प्रोडक्ट अगर डायमेंशनलेस हो, इसका मतलब रेसिप्रोकल, तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर? एक्स के रेसिप्रोकल के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। लेकिन एक्स तो लेंथ है, एल टू द पावर माइनस वन। अब आपसे पूछा गया है कि ए बाय बी और सी बाय डी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि ए बाय बी, भाई जब इनके डायमेंशन सेम है तो ए बाय बी डायमेंशनलेस हो गया। डायमेंशनलेस है यानी कि एम एल टी तीनों में पावर जीरो होना चाहिए। और अगर हम सी बाय डी की बात करें तो सी बाय डी में क्या आएगा? टी टू द पावर माइनस वन बाय एल टू द पावर माइनस वन। इसको चाहे तो सजा कर लिखे, मास का पावर जीरो, लेंथ का पावर वन हो गया, और टी का पावर माइनस वन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? देखें, ए बाई बी डायमेंशनलेस है तो वो एक ही में दिख रहा है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऑप्शन सी में। और ये देखिए, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, यानी ऑप्शन सी हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? अब एक ऐसा सवाल जिसमें हमें कुछ इंटीग्रेशन सा दिखाई दे रहा है, पर हमें डायमेंशन देखना है कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो एक इंटीग्रल है x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दिया हुआ है a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाय a माइनस वन के बराबर। तो पूछ रहा है कि भाई n का वैल्यू क्या होना चाहिए? वेल, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, अगर राइट हैंड साइड की बात करें, जब साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स कुछ भी लिखते हैं, तो ये साइन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्या होता है? ये एक एंगल होता है। तो अगर ये एक एंगल है तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस होगा। आया समझ में? तो एंगल डायमेंशनलेस है। अब दूसरी बात, यानी कि इसका डायमेंशन ए टू द पावर एन के बराबर होना चाहिए। अब a क्या है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि x by a में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये कह सकते हो कि x by a का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो 1 का है, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 1 तो डायमेंशनलेस एक नंबर है, यानी x by a भी डायमेंशनलेस हुआ। तो अगर x by a डायमेंशनलेस है, इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? x के। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाय अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा टर्म है। तो पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन भी एक एडिशन ही है, यानी आप ऐसे टर्म्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मास प्लस मास लेते हैं तो वो भी डायमेंशनली मास होता है, लेंथ प्लस लेंथ लेंथ ही होता है। तो आप एक्स डी एक्स बाय अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को जितनी बार भी ऐड करते जाएंगे तो आएगा तो वही। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, दिस इज अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें इनका डायमेंशन सेम होगा, टू ए एक्स और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है,
तो डायमेंशनली इसको आप एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, आया समझ में, क्योंकि ये दोनों के डायमेंशन सेम है तो डायमेंशनली ये एक्स स्क्वायर ही होगा। अब dx क्या है, dx है x में बदलाव, तो dx का डायमेंशन भी x के जैसा ही होगा, तो इसका डायमेंशन भी सेम एज x। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स और x मल्टीप्लाई हुए तो एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, x। तो x dx बाय एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये डायमेंशनली ऐसा बच रहा है जो कि किसके बराबर हो गया, x के। तो लेफ्ट हैंड साइड में x बच रहा है, अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड को अगर आप डायमेंशनली लिखते हैं तो ये तो पूरा डायमेंशनलेस आ गया, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, a टू द पावर n। लेकिन a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो x के बराबर ही है, यहां से देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन सही है, यानी LHS और RHS आपस में सेम है, तो इसका मतलब अगर आप कंपेयर करते हैं, सेम बेस के पावर्स भी सेम होने चाहिए, तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। तो हम यहां से कहेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक अननोन क्वांटिटी है अल्फा, जिसको एक्सप्रेस किया गया है अल्फा इक्वल्स टू 2ma बाय बीटा लॉग 1 प्लस 2 बीटा l बाय ma, जहां m मास है, a एक्सेलरेशन है, l लेंथ है, तो अल्फा का यूनिट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। अब इसमें यूनिट पूछा गया है, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा तो यूनिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 2ma बाय बीटा लॉग 1 प्लस 2 बीटा l बाय ma। अब जरा अच्छे से सोचते हैं, हमें अल्फा का यूनिट चाहिए, तो अगर हम डायमेंशन ले दोनों साइड तो हमें क्या दिख रहा है, लॉग तो डायमेंशनलेस होता है ना, तो अगर लॉग डायमेंशनलेस हुआ इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एम ए बाय बीटा का होगा। अब आप बोलेंगे टू कहां गया, तो मैंने बताया था कि एक नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन नहीं होता, तो उसको हटा देंगे सीधा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, तो ये हट गया। अब बचा क्या, एम ए बाय बीटा, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला एम ए बाय बीटा, तो अगर बीटा का यूनिट मिल गया तो अल्फा का भी यूनिट आ जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा देखते हैं, अब लॉग के अंदर में झांकते हैं, लॉग तो डायमेंशनलेस है ही, लॉग के अंदर क्या हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 बीटा एल बाय एम ए 1 के साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब 2 तो ऐसे भी हटा सकते हैं, नंबर है, तो बीटा एल बाय एम ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो 1 का है, और 1 तो डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि बीटा एल बाय एम ए अगर डायमेंशनलेस है, इसका मतलब एम ए बाय बीटा अगर हम दूसरे साइड ले जाएं एम ए बाय बीटा, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ के। लेकिन अगर आप देखें तो अल्फा ही एम ए बाय बीटा है डायमेंशनली, तो इसका मतलब अल्फा का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, लेंथ के। तो अगर अल्फा लेंथ के बराबर हो गया डायमेंशनली, तो इसमें इसका यूनिट पूछा है, तो कौन सा यूनिट इसमें से सही होगा, ऑब्वियसली पहला यूनिट जो कि मीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने।
तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे यूनिट डायमेंशंस में, तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे और इस लेक्चर को भी ऑब्वियसली। आप कह सकते हैं कि ये जो लेक्चर था ये हमारा एक तरह से वार्म अप है, जैसे आप मान लीजिए कोई एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कह ले अगर आप जिम जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि जिम गए और पहले ही जाते ही आपने सारे वेट्स वगैरह उठाना शुरू कर दिया, पहले आप वार्म अप करते हो। सो वैसा ही वार्म अप हम लोग फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ये हमारा वार्म अप चैप्टर है। इससे हमने वार्म अप कर लिया इन द सेंस कि हमने देखा कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो इनको हमें ऐसे टैकल करना है, हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम होगा और कोशिश करना है कि उसमें हम जल्दी जल्दी उसको कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा हथियार है फिजिक्स चैप्टर का, आई एम सॉरी फिजिक्स सब्जेक्ट का, वो है वेक्टर्स। बिना वेक्टर्स के आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, वेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगले क्लास से हमें एक्चुअल फील आना शुरू होगा फिजिक्स का जब हम वेक्टर्स जानेंगे, और जब हम वेक्टर्स अच्छे से समझ जाएंगे फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हमें बहुत आसान लगने लगेंगे। हम उसमें वेक्टर्स से हम टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम लोग वेक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएँ, एक मतलब कम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा और आप सभी जानते हैं कि वेक्टर्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ में आता है फिजिक्स में, तो वो नेक्स्ट में होगा। और रहा सवाल, कुछ सवाल जो हमने अभी डिस्कस किए, क्वेश्चंस जो डिस्कस किए, इनके अलावा आपको अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से भी क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशंस के पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, उनके आंसर की के साथ ऑब्वियसली। बट मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को भी, जैसे इनको आपने अटेम्प्ट लिया वैसे ही बाकियों को भी वैसी अटेम्प्ट ले, खुद से पहले सॉल्व करें उसके बाद ही आंसर की देखें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।